सिमिलरिटी सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड डे स्टूडेंट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर एक तो इसका खुद अपना क्वेश्चन आता है और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में भी है जैसे कि मैंसोरेशन है तो वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन आ जाती है और वैक्टर के क्वेश्चन में भी इसकी एप्लीकेशन आती है इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सीखिएगा और पढ़िएगा क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ना सिर्फ अपने चैप्टर के अंदर है तो दूसरे चैप्टर्स को भी ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प चाहिए होती है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्री एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर शेप्स नंबर टू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स बेस्ड ऑफ देयर Corresponding angles and ratios. Number three, use angle angle, side angle side, and side side test to determine if two triangles are similar. And at the end, solve exam questions by applying side ratios, area ratios, and volume ratios. Let's discuss one by one all these objectives and then. एबल टू सॉल्व पास पेपर क्वेश्चन सिमिलैरिटी डिस्कस इस डेफिनेशन पहले इसको डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है और फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टू फिगर्स आर सिमिलर इफ ऑल देर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉन्कुरेंट कॉन्कुरेंट मीन सेम इक्वल एक शेप और दूसरी शेप इफ देर बोथ शेप है सेम एंगल्स, इफ दे आर सिमिलर तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे जैसे कि हमारे पास ये दो हेक्सागोन है तो दिस इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्मॉल हेक्सागोन एंड द कॉरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल इज दिस आल्सो, सो द बोथ एंगल विल बी सेम इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ द साइज इफ दे आर सिमिलर देन देयर एंगल्स आर इक्वल the second thing is and all their corresponding sides are proportional agar up iski circumference or circumference iski ratio this height or this height iski ratio then the ratios will be same it means they are proportional in size iski circumference or is body circle circumference ratio स्मॉल सर्कल के डायमीटर और दिस बिग सर्कल डायमीटर इनकी रेशोज है तो बोथ रेशोज़ विल बी सेम तो वी कैन डिस्कस नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर फिगर्स सिमिलर फिगर्स में तीन प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करनी है और वो आपको जबानी याद होनी चाहिए क्योंकि उनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व होंगे नंबर वन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अभी हमने डिस्कस कर लिया नंबर टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन उनकी रेशो इक्वल होती है वो एक दूसरे के टाइम्स होते हैं कि वन फिगर इज़ टू टाइम्स अदर फिगर एंड देर इज़ अ थर्ड प्रॉपर्टी वो हम लोग डिटेल से आगे डिस्कस भी करेंगे लेकिन उसको हम इस वक्त थोड़ा उसको रीड कर लेते हैं इफ़ टू फिगर्स आर सिमिलर देन देर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ एनी कोरोस्पॉन्डिंग लेंथ दिस प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सिमिलर ट्राइंगल्स टेस्ट ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं हैं तो हमारे पास तीन टेस्ट हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ दे मेट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नंबर वन ए ए एंगल एंगल्स इफ टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस टू ट्राइंगल्स वन इज़ स्मॉल वन एंड अदर वन इज़ बिगर वन तो एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है एंगल टू एंगल फोर के इक्वल है अगर हम किसी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके एंगल प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके ये प्रूव कर दें कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स आपस में इक्वल हैं देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सेकेंड प्रॉपर्टी इज ट्रिपल एस थ्री पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ इनकी अगर हम साइड रेशोज़ लें अगर यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो हम ए बी ओवर ई डी की नंबर्स लिखें बी सी और ई e, एफ़ की वैल्यूज़ लिखें ए सी और डी एफ की वैल्यूज़ लिखें और उनको सिम्प्लीफाई करें तो वी विल गेट द सेम आंसर इट्स मीन साइड्स आर प्रोपोर्शनल दी साइड्स आर इन रेशोज़ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एस एस यहाँ पे देखें एस ए एस में साइड एंगल साइड्स टू साइड्स ए बी ओवर ई डी ए बी ओवर ई डी बी सी ओवर ई एफ ये दो साइड रेशियोज लें इफ टू साइड रेशोज आर इक्वल एंड इंक्लूडिड एंगल जैसे कि ये एंगल बी और एंगल ई द बोथ आर इक्वल दैन वी कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो थर्ड रूल में ये होगा तो टू साइड रेशोज़ ली जाएंगी और वो इक्वल आती हैं और उनके दरमियान वाला एंगल बी आपस में इक्वल होता है तो वी कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर वी will discuss these properties we will apply these properties when we are going to solve past paper questions wahan pe aapko iski डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से इनकी वहाँ पे एप्लीकेशंस करते हैं नेक्स्ट इज़ द आइडेंटिफाई सिमिलर ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना कि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर हम सिमिलैरिटी के रूल अप्लाई कर सकते हैं फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सी ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर है तो फिर हम वो फार्मूलाज अप्लाई नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है और बड़े ध्यान से समझिएगा जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी और डी ई इज़ पैरल टू बी सी ये दो लाइंस आपस में पैरल हैं तो ट्राइंगल ए डी ई इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी तो यहाँ पे कंडीशन क्या है लाइन बी सी इज पैरल टू लाइन डी ई दिस बी सी दिस डी ई देन दिस बिग ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस स्मॉल ट्राइंगल हम एंगल एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको प्रूव भी कर सकते हैं देर इज़ वन मोर पैटर्न ऑफ सिमिलर ट्राइंगल दिस क्रॉसिंग ट्राइंगल इस क्रॉसिंग ट्रायंगल में लाइन पी क्यू इज पैरल टू लाइन एस आर दिस कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड क्योंकि अगर ये पैरलर नहीं होंगी तब हम ये प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल्स को दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं कह सकते सो लाइन पी क्यू इज़ पैरलर टू लाइन एस आर वी कैन से ट्राइंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर एस तो इस ट्राइंगल का ये दोनों पेयर आपस में ये ट्राइंगल का पेयर आपस में सिमिलर है बट कंडीशन इज़ पी क्यू मस्ट बी पैरल टू एस आर धिर इज अ थर्ड पैटर्न ऑफ ट्राइंगल और जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है इसमें लाइन वाई जेड इज पैरल टू लाइन डी ई जैसे कि हम लोग इस फर्स्ट ट्राइंगल में ये चीज देख सकते हैं देन वी हैव ट्राइंगल एक्स वाई जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स डी ई ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है एंड ट्राइंगल ओ वाई ये नीचे वाली ट्राइंगल इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ई डी तो ये ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर है जब दो ट्राइंगल्स हम प्रूव कर दें या हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं देन वी कैन अप्लाई साइड रेशोज़ और साइड रेशोज़ और आगे हमने कुछ रेशोस फार्मूलाज पढ़ने हैं तो फॉर्मूलास भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट डिस्कस रेशियोज ऑफ सिमिलर शेप्स देर आर तो सबसे पहले तो हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं ये हमारे पास एक क्यूबाइड है क्यूबाइड वन एच वन हाइट डब्ल्यू वन वन लेंथ और इसके टॉप सरफेस के एरिया हम ए वन कह देते हैं और इसका जो वॉल्यूम है वो वी वन इसी के सिमिलर देर इज़ वन मोर क्यूबाइड इज़ अ स्मॉलर वन हाइट इज़ एच टू वर्थ इज़ डब्ली टू लेंथ इज़ एल टू एंड द टॉप एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड इज़ ए टू एंड द वॉल्यूम ऑफ़ दिस क्यूबाइड इज़ वी टू सो देर आर थ्री रेशोज़ जो हमने जुबानी याद करनी है और हमने हमारे जहन में भी होनी चाहिए आइडेंटिफाई भी हमें करनी आनी चाहिए साइड रेशोज़ एरिया रेशोज़ एंड वॉल्यूम रेशोज़ साइड रेशोज़ में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशोज़ लें जैसे कि एच वन और एच टू डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू और एल वन ओवर एल टू तो ये साइड रेशोज़ आपस में इक्वल होंगी इनके अगर नोमरिकल वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ हैं वो इनके अंदर लगाएं पुट इन करें प्लग इन करें तो वी विल गेट द सेम आंसर एरिया रेशो एरिया ऑफ दिस ए वन और ए टू ज एक टू एल वन और एल टू होल्स स्क्वेयर सो एरिया रेशोज़ साइड रेशोज़ के स्क्वेयर की इक्वल होती है यह सबसे पहले हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर शेप्स की बात कर रहे थे थर्ड प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टी वहाँ पर डिस्कस हो रही थी द वॉली इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट कि ये कितनी इसक्यूबाइड ने स्पेस कवर की हुई है और कितनी इस ऑब्जेक्ट ने स्पेस कवर की है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं ये कैपेसिटी भी कहते हैं इसको हम सो वी वन ओवर वी टू इज़ इक्वल टू एल वन ओवर एल टू होल क्यूब वॉल्यूम इज़ थ्री डिमेंशनल यूज फॉर थ्री डिमेंशनल फिगर एरिया यूज फॉर टू डिमेंशनल फिगर वॉल्यूम की जगह पे अगर वेट रेशोज़ एंड मैस रेशोज़ अगर वेट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स का मैथ आ जाता तो है ऑब्जेक्ट्स का तो वो भी उसकी साइड रेशियोज का आपको क्यूब लेना पड़ेगा जैसे कि हमने वॉल्यूम रेशियोज में लिया था सो यू मस्ट लर्न दिस फार्मूला बाय हार्ट और इसको हम क्वेश्चंस को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे लेट्स डिस्कस फ्यू पेपर क्वेश्चन सिमिलैरिटी के एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर वन इसमें आपके पास एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल और ये एक आपको 90 डिग्री एंगल मार्क किया हुआ नज़र आ रहा है पहले डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को रीड कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन के समझने में आसानी हो जाए द डायग्राम शोज़ आर रेक्टेंगल ए बी सी डी ए सी डी ई इज़ द पॉइंट ऑन द डाइग्नल ए सी ए सी डाइग्नल है और ई इसके ऊपर एक पॉइंट है सच दैट डी ई सी डी ई सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और ये देखें नाइन्टी डिग्री एंगल भी शो किया हुआ है प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी सी इज द ए डी सी ए डी सी दिस बिग ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल D E C D E C तो ये ट्राइंगल आप में सिमिलर है तो गिव रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक जो भी आप लिखेंगे उसको आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा ये ऐसे क्यों है सबसे पहले ये जो, जो दो ट्राइंगल इसने डिस्कस की हैं बताई हैं ए डी सी दिस इज़ ए डी सी और डी ई सी इनके दरमियान हम इनके कॉरस्पॉन्डेंस चेक करेंगे याद रखिएगा पॉइंट ए पॉइंट डी के इक्वल होगा पॉइंट डी यहाँ पे पॉइंट ई e के इक्वल होगा और जो सीक्वेंस जहाँ पे है वही सीक्वेंस जहाँ पे होगा पॉइंट सी इज़ हेयर नो, ए सी डी एंगल ए सी डी दिस इज़ द वे ऑफ मैंशिंग एंगल यहाँ पे आप एंगल का सिंबल लगा लेते हैं वे इज ए सी डी ए सी डी ए सी डी इधर से भी सीक्वेंस देखें ए सी डी तो जो सीक्वेंस मैंने इधर फॉलो किया वो इधर से भी दे सकते हैं डी सी ई डी सी ई डी सी ई कॉमन एंगल ये एंगल जो है आपके पास ये कॉमन एंगल है यहां पे हम लिखेंगे ये दिस इज द रीजन कि हम इस एंगल को क्यों इक्वल ये दो एंगल जो है क्यों हम इनको इक्वल कह रहे हैं दिस इज अ कॉमन एंगल दीज टू एंगल्स आर कॉमन एंगल नाउ ए डी सी ए डी सी ये एंगल जो है रेक्टेंगल का कॉर्नर एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है और ये आपको रिक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ बानी याद होनी चाहिए उसकी बेस पे हम ये बात कर रहे हैं तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री इट इज़ अ राइट एंगल सो क्या लिखा है जी ए डी सी ए डी सी सेम पैटर्न इधर देखें डी ई सी डी ई सी ये देखे जी नाइन्टी डिग्री मार्क किया हुआ है तो ये नाइन्टी डिग्री है ये बोथ एंगल्स आर इक्वल ये एंगल इस एंगल के इक्वल है दिस इज गिवन तो ये आपकी रीज़न क्या है कि ये एंगल बताए गए हैं ये एंगल हमें प्रॉपर्टी की मदद मतलब से पता चला और ये एंगल उसने खुद कहा हुआ कि दिस दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री द टू एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर सिंस टू कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देर फोर ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी थ्री मार्क क्वेश्चन है अगर आप ये तीनों स्टेप्स लिखेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन टू ट्राइंगल्स बिलो आर सिमिलर अच्छा इस क्वेश्चन में उसने बता दिया कि ये आपस में सिमिलर है ठीक है पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि वो सिमिलर कैसे हैं लेकिन उसने कहा है कि ये सिमिलर हैं इट्स मीन वी कैन अप्लाई साइड रेशोज एंड अदर प्रॉपर्टीज दिस तो, क्वेश्चन के जी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जैसे कि ये सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर वी कैन से साइड रेशोज आर इक्वल तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशोज इक्वल करनी हमने शो देखें ये डबल एंगल के सामने बी लिखा है तो यहाँ पे डबल एंगल के सामने टेन पॉइंट फाइव है इट्स मीन ये टेन पॉइंट फाइव और बी आपस में कॉरसपॉन्डिंग साइड्स हैं तो हम इनकी रेशियो लिख लेते हैं बी ओवर टेन पॉइंट फाइव जो ट्राइंगल आपने न्यूमरेटर में रखी है वो सारी न्यूमरेटर में वैल्यूज रहेंगी और जिस ट्राइंगल को डिनोमिनेटर में रखा है उसकी वैल्यूज डिनोमिनेटर में रहेंगे नौ फाइफ इज ऑपोजिट टू दिस सिंगल एंगल सिंगल एंगल के सामने क्या लिखा है वन ऑपोजिट टू दिस सिंगल एंगल इज़ ए तो वी कैन से फाइव ओवर ए हमने ये कॉरस्पांडिंग साइड्स की रेशियो लिख ली द वैल्यू बिटवीन सिंगल एंड डबल एंगल इज़ फोर एंड हेयर द वैल्यूज बिटवीन सिंगल एंड डबल एंगल इज़ सेवन तो हमने इसकी रेशियो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हुई आपस में तो फोर ओवर सेवन तो दीज रेशियोज़ आर रिटर्न अब यहाँ पर अब देखेंगे इन रेशोज़ में इस रेशो में द बी इज़ मिसिंग ए इज़ अन नोन बट थर्ड रेश बोथ वैल्यूज आर गिवन इनटर एंड डिनिनेटर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा तो वन बाई वन आप इस रेशियो को फोर ओवर सेवन के इक्वल लिखेंगे फिर इस मिडल रेशियो को फोर ओवर सेवन के इक्वल लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे सो बी ओवर टेन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फोर ओवर सेवन द डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेवन को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टेन को इससे फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी साइड पे फिर आप इसको वैसे भी सीधी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये इसको हम सेवन को बी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सिंपली हम टेन पॉइंट फाइव को फोर ओवर सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट आंसर सिक्स अगर ये पेपर वन के क्वेश्चन है

फोर टाइम्स ए इज़ इक्वल टू फाइव को सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया फाइव टाइम सेवन तो फोर अब राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा सो फाइव टाइम्स सेवन डिवाइड बाई फोर सो पेपर वन है तो विदाउट कैलकुलेटर गेट दिस आंसर एंड इफ़ इट इज़ अ पेपर टू यूज़ कैलकुलेटर और आई में आप कैलकुलेटर के साथ ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन ओ लेवल स्टूडेंट इसको विदाउट कैलकुलेटर आपको मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए So by this way you are able to find a value of a and <laughs> value of b let's discuss one more question different types of question पहले हमने प्रूव का क्वेश्चन किया फिर हम अब हम एरिया वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन डायग्राम ट्राइंगल ए पी क्यू ध्यान से देख लीजिए ए पी क्यू दिसमॉल ट्राइंगल एंड ए बी सी ए बी सी आर सिमिलर क्वेश्चन में बता दिया गया है ये सिमिलर है इसके अलावा ये दो लाइंस पी क्यू एंड बी सी आर पैरल सो इस बेस पे भी हमें नज़र आ रहा है कि ये स्मॉल ट्राइंगल ए पी क्यू ए बी सी के सिमिलर है और क्वेश्चन में बता भी दिया गया है नो वी कैन अप्लाई द रेशोज एरिया रेशोज़ एंड द साइड रेशोज़ बी सी इज़ पैरल टू पी क्यू दिस इज़ ऑल्सो मैंशन इन क्वेश्चन और वैल्यू ऑफ ए पी इज़ फोर वैल्यू ऑफ़ पी बी इज़ टू एंड वैल्यू ऑफ़ पी क्यू वन पॉइंट एट अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो डायग्राम पे उसे शिफ्ट कर लिया करते हैं पार्ट ए फाइंड बी सी सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस बिग वन सो वी कैन अप्लाई साइड रेशोज तो आप साइड रेशोज़ लिख लो इन ट्राइंगल के सीक्वेंस को भी देख के यू कैन राइट बी सी जिसमिलर बी सी डिवाइड बाई पी क्यू दिस बी सी डिवाइड बाई पी क्यू इसी तरह आप लिख सकते हैं ए दिस ए डिवाइड बाई ए पी देख लीजिए ए बी डिवाइड बाई ए पी और इफ़ यू राइट ए सी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ए क्यू सो ए सी ओवर ए क्यू ए सी ओवर ए क्यू तो हमने साइड रेशोज़ लिख ली ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन आप इसको अगर रेशोज़ लिख लें तो आपको गलती नहीं होगी और विदाउट एरर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे नो प्लग इन वैल्यूज़ बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है पी क्यू गिवन है वन पॉइंट एट ए बी की वैल्यू यहाँ से लेके कर यहाँ तक फोर प्लस टू इज सिक्स तो सिक्स आ गई और ए पी यहाँ पर फोर है ए सी नाट क्यू वन ए क्यू नॉट गिवन तो दिस रेशियो इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर ना इसको हमने फाइंड करना है ना इसकी हमें ज़रूरत है तो हम इसे कैंसल आउट कर देंगे नो वी कैन राइट बी सी ओवर वन पॉइंट एट इज इक्वल टू सिक्स ओवर फोर डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन पॉइंट एट सिक्स ओवर फोर से मल्टीप्लाई करेगा एंड योर आंसर इज टू पॉइंट सेवन लेट्स डिस्कस पार्ट बी फ़ाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू दिस वन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी बी सी क्यू पी बी सी क्यू दिस कोऑर्डिलेटर इनकी रेशोज़ ने निकालनी है तो हम लोगों ने तो एरिया रेशोज़ ट्राइंगल्स की पढ़ी है तो ये तो पढ़ी नहीं हम लोगों ने तो लेट्स डिस्कस द मेथड कि किस तरह से ट्राइंगल की और कोऑर्डिलेटर की रेशो कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम दिस स्मॉल ट्रायंगल ए पी क्यू और ए सी की साइड रेशोज कैलकुलेट एरिया रेशोस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम जो ए सी बिग ट्रायंगल हम उसको ए वन कह देते हैं और ए पी क्यू स्मॉल ट्रायंगल हम इसको ए टू लिख देते हैं अप्लाई द फार्मूला ए वन ओवर ए टू इज़ इक्वल टू एल वन ओवर एल टू होल स्क्र नो प्लग इन वैल्यूज़ अब आपके पास ए वन इज़ आ बिग ट्राइंगल तो इसकी ये साइड रेच वन क्या लिख सकते हैं फोर प्लस टू सिक्स ये सारी ए बी सिक्स है तो हमने सिक्स लिख लिया और इसके कारस्पॉन्डिंग साइड ए पी है इट्स अ फोर हमने इसे फोर लिख लिया नो डू सिंप्लीफिकेशन थ्री ओवर फोर को सिम्प्लीफाई सिक्स ओवर फोर को करें तो थ्री ओवर टू है और ये स्क्वेयर है और जब आप इसका स्क्येर ओपन करते हैं स्क्ोयर ऑफ थ्री इज़ नाइन स्क्र ऑफ़ टू इज़ फोर वह आपके पास एरिया रेशो ए वन ओवर ए टू इज़ इक्वल टू नाइन ओवर फोर है मीन डैट के जो बड़ी ट्राइंगल है उसका एरिया नाइन है और छोटी ट्राइंगल का एरिया फोर है अगर हम इस बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से इस स्मॉल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो वी विल गेट दिस एरिया ऑफ दिस कोआडिलेटर सो ए वन माइनस ए टू बिग ट्राइंगल माइनस स्मॉल ट्राएंगल नाइन माइनस फोर इज़ इक्वल टू फाइव इट्स मीन दैट कि यहाँ पर कॉर्डिलेटर का जो एरिया है वो फाइव है अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए पी क्यू इज़ फोर स्मॉल ट्राइंगल के एरिया फोर है और एरिया ऑफ क्वारेटर पी बी सी क्यू इज़ फाइव सो योर फाइनल आंसर इज़ फोर ओवर फाइव सो यू होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और इसकी बहुत दफा एप्लीकेशन आई है और ये फैक्टर के क्वेश्चन में भी इसकी इस तरह की एप्लीकेशन आ चुकी है इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से सीखिएगा कि किस तरीके से ट्राइंगल के और क्वाड्रिलेटरल के एरिया को रेशियो को फाइंड किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बेसिस ऑफ टू जोमेट्रिकल सिमिलर बकेट्स इज़ फोर रेशो नाइन स्मॉल एंड द बिग बकेट और इनकी एरिया रेशो गिवन है एरिया रेशो दिस इज़ द एरिया फाइंड द पार्ट ए द ए एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द स्मॉलर बकेट इज़ फोर एटी सेंटीमीटर स्क्वेयर या स्क्र सेंटीमीटर इसके टॉप के एरिया फोर एटी स्क्र सेंटीमीटर है वट इज़ द एरिया ऑफ़ द टॉप ऑफ द लार्जर बकेट तो लार्जर बकेट के एरिया का क्या वैल्यू होगी सो so, हम पहले मेंशन कर लेते हैं स्मॉलर बकेट को ए वन और लार्जर बकेट को ए टू कह देते हैं सिंस बोथ शेप्स आर सिमिलर तो वैसे तो इनकी पहले रेशो भी गिवन है ए वन ओवर ए टू फोर ओवर नाइन तो चूंकि ये आपस में सिमिलर हैं तो और इनकी वैल्यूज भी गिवन है तो ए वन की वैल्यू क्या गिवन है स्मॉलर बकेट की वैल्यू फोर एटी हमने प्लग इन कर ली डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए टू को फोर से मल्टीप्लाई कर लिया नाइन को फोर एटी से मल्टीप्लाई कर लिया और फोर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया यूज कैलकुलेटर और मेंटल मैथ टू फाइंड दिस आंसर सो एरिया ऑफ लार्जर बकेट इज़ वन ज़ीरो एट ज़ीरो स्क्वेयर सेंटीमीटर तो दिस इज़ योर आंसर तो यूनिट लाजमी लिखिएगा पेपर में आंसर लाइन पे लिखे होते हैं बसकर नहीं लिखे होते तो आपने ये लाजमी यूनिट लिखना है पार्ट बी राइट ऑन द रेशो ऑफ हाइट्स ऑफ टू बकेट्स तो एरिया रेशो तो हमें गिवन है ए वन ओवर ए टू इज़ इक्वल टू एच वन ओवर एच टू होल स्क्वेयर तो हाइट के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर लिया जहाँ पर लेंथ भी लिखी जाती है हाइट भी लिखी जाती है वर्थ भी लिखी जाती है रेडियस भी लिखा जाता है तो वट एवर द रिक्वायरमेंट वी कैन डू वी कैन अप्लाई हेयर सो एरिया रेशो तो हमारे पास है दिस इज़ द एरिया रेशो A1 over a2 4 over 9. So you have 4 over 9 is equal to h1 over h2 whole square. we have to remove this square. So we'll take square root on both sides. So side p square root, this side square root, This square is cancelled by this square root. And the square of 4 is 2, square of 9 is 3. So we can say h1 over h2. इज इक्वल टू टू और थ्री दिस इज योर आंसर को इनकी हाइट की रेशो वो मांग रहा था तो वो हमारे पास ये आंसर आ गया नौ पार्ट सी बोध बकेट आर फिल्ड विद सैंड द मैस ऑफ सैंड इन द लार्जर बकेट इज थर्टी सिक्स के जी फाइंड द मैस ऑफ सैंड इन स्मॉलर बकेट तो जब हम लोगों ने रेशो डिस्कस की थी तो कहा था कि वॉल्यूम की जगह के मैस या वेट दिया हो तो हम क्यूब यूज़ करेंगे सो एम वन ओवर एम टू इज़ इक्वल टू एच वन ओवर एच टू होल क्यूब नो प्लग इन वैल्यूज़ एम वन हम लोगों ने स्मॉलर बकेट का मैस कैलकुलेट करना है लार्ज बकेट का मैस थर्टी सिक्स गिवन है ये देखिए और यहाँ पे हमने प्लग इन कर लिया एच ओवर एच टू हाइट की रेशियो वो पिछले पार्ट में पार्ट बी में कैलकुलेट करवा चुका है तो हम एच वन ओवर एच टू की जगह पे टू ओवर थ्री लिखेंगे होल क्यूब क्यूब ऑफ टू इज एट क्यूब ऑफ थ्री इज़ ट्वेंटी सेवन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यूज कैलकुलेटर और मेंटल मैथ सो फाइनल आंसर द मैथ ऑफ द स्मॉलर बकेट इज टेन पॉइंट सिक्स सिक्स दिस इज़ योर फाइनल आंसर के जी तो यहाँ पे भी आपने यूनिट लास्ट में लिखनी है ऐट द एंड लर्न बाई हार्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस चैप्टर की जो आपने ज़ुबानी याद करनी है अगर वो आप ज़बानी याद नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे नंबर वन प्रोपर्टीज़ आफ सिमिलर फिगर दो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉरस्पांडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पानिंग साइड आर इन प्रपोशन दूसरी आपने तीनों रेशोज याद रखनी हैं साइड रेशोज़ एरिया रेशो एंड वॉलीम रेशो और जब भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन आए आपके दिमाग में आपके माइंड में ये वन टू थ्री फोर फाइव दिस फाइव पॉइंट मस्ट बी एक्टिवेटेड आ जानी चाहिए कि अब जो हम सिमिलरिटी अप्लाई करने लगे हैं तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए तो यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट ज़ुबानी याद कीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन